तो बाड़मेर के जिला अस्पताल में दिखी है अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही। लापरवाही भी ऐसी कि जिसका खामियाजा ताउम्र भुगतना पड़ेगा एक मासूम को, जहां डॉक्टर की जगह स्वीपर ने ही कर दिया एक बच्चे का इलाज और गलती से काट दी मासूम की उंगली। आया था वो इलाज कराने, लेकिन वहां मिला उसे जख्म, जख्म ऐसा जो ताउम्र नहीं भर सकेगा। स्वीपर के हवाले अस्पताल। एक साल के इस छोटे मासूम की तड़प को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसे कितना दर्द हो रहा है। इस मासूम के परिजन बाड़मेर के जिला अस्पताल में आए तो थे इलाज कराने, लेकिन यहाँ अस्पताल कर्मियों की लापरवाही ने ऐसा जख्म दे दिया जिसे उम्र भर नहीं भरा जा सकता। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्लाइन चढ़ाने के बाद जिस सिरिंज को निकालने का काम नर्सों और कंपाउंडरों का होता है, वो काम यहाँ स्वीपर से कराया जा रहा है। नतीजा सबके सामने है। स्वीपर ने बच्चे का सिरिंज निकालने के बजाय कैंची से उसकी एक उंगली को ही काट दिया। हैरत तो ये है कि अपनी गलती छिपाने के लिए स्वीपर ने कटी उंगली को डस्टबिन में फेंक दिया और फरार हो गया। मैं तो फिर गया मैसरी साहब बचाने सेंचो कह करो पीएमए करने गया। जिन पीएमए कह कर क्या हुआ उंगली काटी तो कह फिर भी भर्ती कर लो दो तीन दिन ठीक थी जासे तो कह कैसे काटी के कैसे मेरे को कोई पता नहीं है। मैं तो कह उखाड़ी नहीं करते उसे मेरे को बाढ़ लेना नहीं को देना। आप फिर आपका जो भी करना हो उसको कर लो। बच्चे की उंगली कटने की खबर जैसे ही अस्पताल के बड़े अधिकारियों को लगी उनके हाथ पांव फूल गए। कार्रवाई के नाम पर महज स्वीपर को हटाकर खानापूर्ति कर दी गई जिससे कि हंगामा ना हो सके। ये थोड़ा जल्दी मचा रहा था तो स्वीपर पड़ा था पास में, उसने कहा चलो ले जल्दी करा तो मैं हटा निकाल देता हूँ। तो उसने जब निकालने की कोशिश की तो इसके हाथ में कैंची थी, बच्चा एकदम उछला क्योंकि जैसे थोड़ा दर्द तो होता ही है, उछला तो उसके कैंची के बीच में जो है उसकी उंगली फंस गई, वो भी अकपका गया उसके बीच में उसमें उंगली कट गई। ये लापरवाही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर मैं ये है जिसने भी लापरवाही की तो उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे, आइंदा ऐसे घटना वापस नहीं होने देंगे। उसका उंगली का टुकड़ा वापस मिला या क्या कुछ हो पाया? मैं ढूंढूंगा उसको, पता करेंगे क्या क्या हुआ उसका। उस वक्त आपने इस बारे में कुछ पता नहीं किया उंगली का टुकड़ा कहाँ चला गया? उसके बाद में उसके परिजनों का भी हमने जांच कमेटी बनाई, वो जांच कमेटी सब एस्पेक्ट देखे। एक तरफ तो सरकार निःशुल्क योजना और बेहतर स्वास्थ्य के नाम पर वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं ने लोगों को डरा कर रख दिया है। शिव प्रकाश सोनी, सहारा न्यूज ब्यूरो, बाड़मेर।